राजधानी दिल्ली में एनआईए आसिफ खान नामक आर्म्स सप्लाई की प्रॉपर्टी अटैच कर रही है। आसिफ खान पर गैंगस्टर्स को आर्म्स सप्लाई करने का आरोप है। एनआईए ने अक्टूबर 2022 में आसिफ को गिरफ्तार किया था। एनआईए की कार्यवाही न्यू उस्मानपुर इलाके में हो रही है, जहां आसिफ का घर है। बता दें कि आसिफ खान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर छेनू से जुड़ा हुआ है, जहां एनआईए ने पिछले दिनों अपराधियों के ठिकाने पर रेड डाली थी। इस दौरान एएनआई को अपराधियों के पास से दर्जनों हथियार बरामद हुए थे। इसके अलावा काला जठेरी से जुड़े हरियाणा में रहने वाले गैंगस्टर सुरेंद्र चुकी की भी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। सूत्रों से खबर मिली है कि एनआईए आज 5 गैंगस्टरों की प्रॉपर्टी को अटैच करने वाली है, जबकि आने वाले दिनों में गैंगस्टरों से जुड़ी 13 प्रॉपर्टियों को अटैच की जाएगी। एनआईए लगातार अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। आसिफ खान बहुत पहले से ही एएनआई के शिकंजे में थे। इससे पहले फरवरी में एनआईए ने गैंगस्टर टेरर फंडिंग और आर्म्स सप्लायर के नेक्सस को तोड़ने के लिए करीब 72 स्थानों पर रेड मारी थी। यह कार्रवाई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में की गई थी। एजेंसी ने अकेले पंजाब में ही 30 लोकेशन पर छापे मारे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।